आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज, मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि मायावती ने आकाश आनंद को लेकर बड़ा ऐलान किया है। तो मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। तो माया का ऐलान, आकाश को मिली कमान। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान सामने आया है। मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। मायावती ने आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ये बड़ा ऐलान सामने आया है। मायावती का ये बड़ा ऐलान, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बता दें कि मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की थी। कई मायनों में इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा था, और इसी बैठक में मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के सामने बैठक के बीच में आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। तो पार्टी पदाधिकारियों के बीच मायावती का ये बड़ा ऐलान सामने आया है। माया ने अब आकाश आनंद को कमान सौंपी है। तो मायावती ने आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, तो बैठक में 28 राज्यों के पदाधिकारी मौजूद थे। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होनी थी, और इसी बैठक में मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के बीच आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। बड़ी कमान सौंपते हुए मायावती का ये ऐलान सामने आया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, और इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ अमित सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित जी, जिस तरीके से इस बैठक को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा होनी है, और इसी बैठक में ये ऐलान सामने आता है, जहां आकाश आनंद को आगे की कमान मायावती सौंप चुकी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बहुत बड़ा ऐलान है। मायावती जब अपनी पार्टी को एक बार फिर से स्थापित करने की ओर लगातार प्रयास कर रही है, तो वही ये ऐलान खासा महत्व भी रखता है। देखिए, 5 राज्यों के भी चुनाव जो बीते हैं, उसमें आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी थी मायावती ने। मायावती ने जिस तरह सभी राज्यों में जो परफॉर्मेंस मायावती की पार्टी ने की है, उसमें काफी अच्छा प्रदर्शन उसे माना जा रहा है, और कहीं ना कहीं भूमिका के लिए आकाश आनंद को भी क्रेडिट दिया गया, तो इसको लेकर मायावती को काफी खुश भी नजर आ रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा उनको एक बहुत बड़ा दायित्व दिया गया है 2024 लोकसभा के चुनाव को अगर हम देखेंगे। लेकिन नंदनी, देखिए, अगर इस मायावती के फैसले की जहां तक हम बात करें, इसके मायने निकाले, तो आप सोच सकती है कि आकाश आनंद को मायावती, चूंकि अभी वो नेशनल कोऑर्डिनेटर है बहुजन समाज पार्टी के, ऐसे में उनको नेशनल लेवल पर ये एक लॉन्चिंग पैड के रूप में इसको अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मायावती भले ही, देखिए ये तय है, ये बात किसी को डाउट नहीं होगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो मायावती के अगुवाई में होगा, लेकिन मायावती चाहते हैं कि उनके पीछे अकेले दम पर, चूंकि उन्होंने ये भी कह रखा है कि वो किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, ऐसे में उनके पीछे एक युवा चेहरा खड़ा हो, ये भी वो चाहते हैं, और शायद ये फैसला भी उसी की ओर इशारा करता है। लेकिन राजनीतिक महकमे में देखिए, काफी दिनों से मायावती की जो सक्रियता है उसको लेकर भी नंदनी काफी सवाल उठ रहे थे कि वो बहुत कम चुनावी सभाओं में दिखती है, बहुत कम रैलियों में दिखती है, ऐसे में आकाश आनंद की जरूरत शायद मायावती को महसूस हुई, एक युवा चेहरे से मायावती को महसूस हुई चेहरे की जरूरत, और इसीलिए उन्होंने आकाश आनंद को यह दिखाई, और यही उनकी मंशा भी दिखती है। अगर हम नंदनी बात करते हैं थोड़ा पीछे, अपने दर्शकों को उनके जहन में यह बात याद दिलाते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भले ही देखिए बहुजन समाज पार्टी ने कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन 2014 में जब बहुजन समाजवादी पार्टी 0 पे सिमट गई थी, 0 पे सिमट गई थी, तो 2019 के उसमें चुनाव में 10 सीटों पर पार्टी ने जीत की थी, और इसके लिए कहीं ना कहीं आकाश आनंद को भी क्रेडिट दिया जा रहा था। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं, तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसके लिए मायावती के ऐलान के मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन चुनाव क्योंकि अब धीरे धीरे करीब आ रहा है, ऐसे में इस तरह के बड़े फैसले और इन फैसलों के क्या अर्थ निकलते हैं, इन फैसलों के क्या
मायने निकलते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। बिल्कुल अमित जी, जिस तरीके से जैसे ही उन्हें पार्टी कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई थी, इसके साथ ही उनके कद में इजाफा हो गया था, उन्हें मजबूती के साथ देखा जा रहा था, लेकिन क्या ये जल्दबाजी है? जिस तरीके से इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको दे दी गई है, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए नंदनी, शायद मायावती के पास जिस तरह की उनकी जो सोच है, मायावती का जो एक सबके सामने मायावती का जो चेहरा है, मायावती की जो सोच है और मायावती जिस कद की नेता है, मायावती बहुत ज्यादा किसी को पार्ट अपने बराबर खड़ा रखने के लिए मानी जाती ही मानी जाती कि वो अपने बराबर किसी को खड़ा होता देख सकती है। पार्टी का कोई भी देखिए प्रवक्ता आपको बहुत ज्यादा मुकर होते नहीं दिखाई पड़ेगा, बहुत ज्यादा बयानबाजी हमको नहीं दिखाई पड़ती है। ऐसे में मायावती के लिए ये किसी को इतने बड़ा उत्तराधिकारी घोषित कर देना, अपना उत्तराधिकारी बना देना, अपने आप में मायने रखता है। लेकिन मायावती के इस फैसले से देखिए सवाल भी काफी उठेंगे। आप थोड़ा पीछे जाइए नंदनी, तो आप देखेंगे मायावती के अक्सर मायावती अपने विपक्षी दल है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उनके परिवारवाद पर हमेशा सवाल उठाती है। बीजेपी भी लगातार अपने विपक्षियों पर परिवारवाद को लेकर सवाल उठाती है। ऐसे में क्या मायावती के इस फैसले पर सवाल नहीं उठेंगे? आप खुद सोचिए, मायावती के ऊपर क्या परिवारवाद के आरोप नहीं लगेंगे? इन तमाम सवालों के भी जवाब मायावती को तलाशने होंगे, मायावती को जवाब देने पड़ेंगे। तो देखिए इसके क्या मायने हैं और क्या इसका फैसले का सही मायने में निकलते हैं, ये तो हमको समय के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से मायावती का जो कनेक्शन है, जो कनेक्शन देखा जाता है गरीब तबके के साथ में और बहुजन समाज के साथ में, क्या उम्मीद की जाए? क्या आकाश भी इसी तरह के व्यक्तित्व को की झलक उनमें भी देखने को मिलेगी? क्योंकि जिस तरीके से उनके भाषणों पर अगर गौर किया जाए तो अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग ज्यादा देखा जाता है, लंबे लंबे भाषण उनके अंग्रेजी में होते हैं, ऐसे में क्या माना जाए पार्टी एक नई छवि के साथ आगे बढ़ेगी? देखिए नंदनी, बहुजन समाजवादी पार्टी को बताते हैं कि जो उनका देश वोट बैंक है वो दलित वोट बैंक है, तो कहीं ना कहीं उनको अपने वोट बैंक पे तो नजर रखनी होगी। लेकिन देखिए समय बदल रहा है, चुनाव के तरीके बदल रहे हैं, चुनाव अब सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा ज्यादा होती है, कहीं कहीं कहा जाता है कि चुनाव अब सोशल मीडिया से शुरुआत होती है। तो देखिए अपने आप को समय के साथ बदलना तो पड़ेगा ही, और बहुजन समाजवादी ने बदला भी, क्योंकि एक समय सोशल मीडिया को लेकर मुखर रहने वाली मायावती, आज उनकी पार्टी खुद सोशल मीडिया पर एक्टिव है। उन्होंने एक बार कहा था कि वो सोशल मीडिया और इन सबसे उनका वो जमीन पे काम करती हैं। तो कहीं ना कहीं समय के साथ अपने आप को वो बदल रही हैं, उनको भी इस बात की जरूरत महसूस हो रही है। आकाश आनंद देखिए वेल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ाई करके लौटे हैं, और मायावती के मायावती उनकी बुआ लगती हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए समय के साथ ये डिमांड तो बढ़ेगी कि मायावती के बाद कौन। ऐसे में मायावती के पास अगर आप देखिए तो बहुत बड़े उनके पास बहुत ऑप्शन भी नहीं है। ऐसे में नफा नुकसान कितना होता है, कितने फायदेमंद होते हैं आकाश आनंद बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए? एक समय सिरमौर रहने वाली पार्टी आज फर्श से फर्श पर आज खड़ी है, ऐसे में उसको दोबारा से खड़े करने की जिम्मेदारी आकाश आनंद पर बनती है, और समय ये बताएगा कि इस जिम्मेदारी को वो कितनी सफलतापूर्वक इसका निर्वहन करती है। बिल्कुल अमित जी, आपने भी इस बात का जिक्र किया कि जल्दी मायावती किसी को अपने समकक्ष खड़ा नहीं होने देती, हम भी अक्सर यही पाते हैं। और वही बात अगर की जाए तो अभी भी माना जा रहा है कि यूपी और उत्तराखंड से अभी आकाश आनंद को दूर रखने की तैयारी, हालांकि राजस्थान में इनकी लोकप्रियता काफी देखी जा रही है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि अभी मायावती यूपी और उत्तराखंड को नहीं छोड़ने वाली है? तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मायावती ने बड़ा ऐलान किया है, आकाश को अब मायावती ने कमान सौंपी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ये बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि बसपा पदाधिकारियों के साथ मायावती की बैठक खत्म हो चुकी है, और बैठक के दौरान ही मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के सामने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी की कमान सौंपी है। आकाश आनंद को मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है।